आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जहां एक वक्त पर उनकी सुनवाई हुई थी पहले, जहां उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन आज फिर से सुनवाई होनी थी। मामला था वही पुराना, नौकरी देने के बदले जमीन हड़पने का। तो उसी मामले को लेकर लगातार सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता हुआ भी जा रहा था। लालू के घर पर काफी छापेमारी देखी गई थी और किस तरीके से पूछताछ की गई थी घंटों तक। तेजस्वी यादव पर भी किस तरीके से शिकंजा कसा गया था ईडी और सीबीआई का, यह आपने बखूबी देखा था। अब तेजस्वी यादव पिता बन चुके हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी गर्भवती थी उस दौरान भी देखा गया था कि उनकी पत्नी से भी काफी पूछताछ की गई थी। ये सारा मामला देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ बिहार में, और बिहार में जिस तरीके से लालू परिवार पर मुश्किलों के बादल छाए हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब हटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके दौरान वहां पर पेश होना था पूरे लालू परिवार को, वहां पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को, मीसा भारती उनकी बेटी हैं, उनको भी मौजूद होना था। लेकिन किसी स्वास्थ्य कारण की वजह से लालू यादव तो वहां पर मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन राबड़ी देवी और मीसा भारती वहां पर मौजूद थी। 15 मार्च को पहले सुनवाई हुई थी, 29 मार्च आज थी, आज भी सुनवाई हुई, लेकिन कोई मामला साफ होता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर एक तरफ से देखेंगे कि थोड़ी राहत फिर दोबारा से मिलती हुई नजर आ गई है लालू परिवार को, क्योंकि अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है। अब यहाँ पर 8 मई की तारीख तय की गई है इस मामले को लेकर सुनवाई की। अब उस वक्त क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त में जिस तरह से पहली सुनवाई के दौरान लालू परिवार को राहत मिल गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ फिर दोबारा से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी यहाँ पर एक तरफ बेटी का जन्म होना तेजस्वी यादव का खुशी की लहर दौड़ती है, तो दूसरी तरफ ये तलवार लटकी हुई आज नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं फिर से दोषी तो करार नहीं दिए जाएंगे लालू यादव, कहीं उन्हें जेल तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ये तमाम मसले सुलझते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर आप बखूबी देखेंगे कि एक बार फिर से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।